सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को, भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसस्वादन कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रस स्वादन प्राप्त हो, रस तत्व प्राप्त हो। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम जो भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रस स्वादन करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी की कृपा, दया, उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा, आप और हमने मिलकर खूब दीपोत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है, केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना है, हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, माँ आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाएं, आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव हमारे भीतर प्रवेश करे। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाती है। भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहाँ गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं, पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं, तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने यह नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो यह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा है। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते है, तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए। एक बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछा, माँ आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जा रहा है, ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो महाराज वो बूढ़ी माँ कहती है, अरे काना तुमको नहीं मालूम क्या, अपने या दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है और जलवृष्टि होती है ना, तो उस जलवृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है जिससे गायें चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना उसका जो दूध मिलता है उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान
कृष्ण कह रहे हैं हम। माता जी, ए बूढ़ी माँ, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं, गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे माँ, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहाँ से मिलता, और वो दूध कहाँ से देती, वो मक्खन कहाँ से देती। मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी, अगर नदी तालाब पहाड़ पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। कि माँ, अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो ना, इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता एक बूढ़ी माँ को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए और यशोदा मैया के गले में बैया डालकर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, माँ अब आप क्या कर रही हो। माँ कहती है, इंद्र के पूजन की तैयारी। माँ, इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का करो, गिरिराज बाबा का। कौन है गोवर्धन नाथ? जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा, जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए, महाराज, और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा, इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, आप नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को सारे बंदर जितने भी बानर थे, सारे के सारे जो पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, सारे बानरों ने उनके ऊपर शिलाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करा तो गोवर्धन नाथ जी की आंखों में जल भर गया, और जल भर कर श्री हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम राम काज के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, पर तुमने मुझे बीच मार्ग में रख दिया है, अगर मुझे भगवान नहीं मिले तो हे हनुमान मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी भी सेवा करने वाला बीच मार्ग में रह जाएगा। हनुमान, जिसको मिलाने के लिए लेकर आए हो, कम से कम एक बार उसका दर्शन तो करा देते, एक बार उससे मिला तो देते। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। हनुमान जी महाराज ने राम जी से जाकर कहा, नाथ वो गोवर्धन पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, गोवर्धन नाथ जी की वो कंदरा मुझे श्राप दे रही है। बाबा राघव जी, हे प्रभु जी, आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान राम जी ने कहा, गोवर्धन पर्वत से जाकर कहो, तुम चिंता मत करो, अभी त्रेता के अंतर्गत तुम्हें लेकर आ रहे थे, तुम विश्राम करो इसी जतिपुरा में, ब्रजमंडल में। जब भगवान राम का अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण, आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे। देखिए, शिव महापुराण में भी पहले वर्णन किया कि आप अगर इंतजार कर रहे हो, आप भगवान की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, विश्वास रखकर भगवान का भजन कर रहे हो, एक दृढ़ता बनाकर, एक भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तो यह पक्का है आज नहीं तो कल मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपको मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में माता यशोदा को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और गिरिराज बाबा की पूजन करने के लिए बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा महाराज, यहां पर भगवान कृष्ण
गोवर्धन नाथ जी के सामने सारी सामग्री लेकर जो जो बना कर लाए थे सब रख दिया और सब रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए। अब भगवान सारे ब्रजवासी आपस में बात कर रहे, इस पत्थर में से कोई देवता निकलेगा, पर्वत में से कोई देवता निकलेगा, अब देवता कैसे निकले। सारे ब्रजवासी बात करने लगे, ये नंद बाबा का छोरा ने तो पूजन करा दी पर इसमें से कोई देवता निकलेगा ही नहीं। इंद्र होते तो अभी तक खाकर चले जाते, भोजन कर चले जाते। जब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन बाबा बड़ी कृपा करी है दयालु दाता, आइए प्रकट होइए, ब्रजवासी आपके लिए इतना सामग्री बनाकर लाए हैं, आप पाइए। भगवान कृष्ण का तो कहना ही था, भगवान कृष्ण का ही एक अंश अवतार गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हो गए गिरिराज बाबा। हजारों हाथ कर लिए, भोजन करना प्रारंभ करा। जैसे ही भोजन करना प्रारंभ करा, सारे पात्र खाली होने लगे, ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, हे भगवान बड़ा गजब हो गया, इंद्र था तो भोजन करने के बाद थोड़ा छोड़कर भी जाता था, ये तो पूरे की पूरे बर्तन की बर्तन निपटा जा रहा है, ये तो सब खाए जा रहा है, सारा पाए जा रहा है। भगवान कृष्ण ने सपना तो भगवान हाथ जोड़कर बोले, हे गोवर्धन नाथ दादा कृपा करिए बाबा, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए। गोवर्धन नाथ जी ने आवाज कर कहा, आकाशवाणी कर कहा, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मेरे को खाने से रोका है, इसलिए आज के बाद मैं केवल भाव से जीवने के लिए आऊंगा। और महाराज तब से मेरे गोवर्धन नाथ भाव से जीवते। आप भी अपने घर में जब भोग लगाते हो, एक कटोरी सामग्री बनाकर भगवान के सामने रख दो और एक कटोरी सामग्री बनाकर अलग रख दो, दोनों में जो स्वाद होगा, जो भगवान के सामने रखी है उसका स्वाद अलग होगा, जो अलग से रख दी फ्रिज के ऊपर फ्रिज के अंदर उसका कोई स्वाद नहीं है, पर भगवान के सम्मुख में जो पहुंच गई उसका स्वाद बढ़ गया। अब भगवान कृष्ण ने जो ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया है, आज ही के दिन गिरिराज पूजन के दिन दीपावली के दूसरे दिन जो गिरिराज बाबा का पूजन किया गया, वही गोवर्धन पूजन की कथा चल रही है, वही गोवर्धन चरित्र। जरा ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई, 7 दिवस भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को, एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया, और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा, तो सतवटु 56, ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है, वो अन्नकूट है महाराज। तो महाराज जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है, पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में